Shivani Malik, lead editor, onlymyhealth.com. I would like to extend a warm welcome to one and all. We have gathered here to talk about the importance of mental health for kids. Before we start, I would like to extend a big thanks to everyone who's made this event possible today. The Children's Academy, Ghaziabad, Principal Ms. Kamlesh Rana, K.S. Ganeshan sir and Vishwanath sir, our gifting partners Nazrana by Radisson Blue, Kushambi. इस इवेंट में हमारे साथ हमारे तीन एक्सपर्ट्स यहाँ जुड़े हैं. डॉक्टर आरती आनंद, शी इज अ कंसल्टेंट सीनियर साइकेट्रिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. देन वी हैव नीरज गेरा जी, ही इज अ मेंटल हेल्थ कोच. एंड देन वी हैव आकृति खोसला, शी इज एन एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली. So how are you all? कैसे हैं सब लोग? खुश है ना? देखो, I totally believe life is a celebration. Life is a celebration for someone. Life is a misery. Life is very beautiful. If we are not able to celebrate, please do not blame others. Please do not blame life. Please do not blame your parents, society, or your country. It means there is a difference in perspective. So student life mein EAF hota hai. E for enthusiasm. E for? Enthusiasm. And then comes A. A for action. A for? Bohut talent hai. Skills hai. Amazing hai. Intellectual bohut zyada insaan hai. But jeevan mein implement nahi kiya. Action nahi kiya uspe. Plan nahi banaye. Execute nahi kare plans. फेलियर आप देखेंगे, अमेजिंग लोग फेलियर बन जाते हैं और एवरेज या बिलो एवरेज सक्सेसफुल हो जाते हैं. क्यों? दे आर कंसिस्टेंट. देन कम्स एफ. एफ फॉर फीलिंग्स. क्या? हा, जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी, इमोशंस नहीं होंगे, उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. हमारी एक रिसर्च है, इंडिया के ऊपर रिसर्च हुई है. इंडिया में बताया कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये 85% मार्क्स, वो सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़े जा रहे हैं, रटे मारे जा रहे हैं, उसको जीवन में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे. तो जिस खुशी को बाहर खोज रहे हो, अगर थोड़ा सा आंख बंद करके ना अपने अंदर भी खोजना शुरू करोगे. अध्यात्म, अध्यात्म का मीनिंग पता है क्या होता है? हमें कहा जाता है अध्यात्म 60 साल 70 साल के बाद में उसमें जाना चाहिए. अध्यात्म का सिंपल सा मीनिंग है अध्ययन आत्म का, नोइंग वन सेल्फ. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू चिल्ड्रन अकेडमी, ऑल द वानी जी, एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी. व्हाट इज देयर इन योर माइंड व्हेन मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ आता है माइंड में, तो आप क्या सोचते हो? टेल मी. इफ यू से दैट मेरे को डिप्रेशन है तो मैं वीक हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट. In fact, if you are having some kind of mental health problem or any problem, you should be immediately go and talk to somebody in the family, friend or a psychologist. What is mental health? Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. ये World Health Organization ऐसी बात कहती है. During exam anxiety, ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा, first होता है, बहुत सारा course है, ठीक है, so you don't know how to start, from where to start, so you write down what are the important chapters. उस chapters में से जो चैप्टर्स नहीं आते उनको टिक मार्क करो, और जो आते हैं उनको टिक मार्क करो, एंड डिवाइड योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स, कि जो मेरे को नहीं आते मैं उन पे फोकस करूं. ऑल्सो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स वी विल नॉट स्लीप वेल, वी विल कीप थिंकिंग एंड कंपेयरिंग नेगेटिव थॉट्स. अगर मैं फेल हो गई, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे. सो यू हैव टू रिप्लेस दीज थॉट्स. व्हेन यू डिवाइड योर टास्क इट बिकम्स ईजियर, एंड यू ऑल्सो नो कि ये टिक कर दिया, ये टास्क हो गया, दूसरा टास्क टिक कर दिया, थर्ड. सो दिस वे यू विल बी एबल टू मैनेज योर एंग्जाइटी.
important, very important thing I want you also to understand, the person, the child who's bullying is also maybe having some problem. For example, at home he's not getting attention and love, okay? Or there are frequent fights at home. सो उसको अटेंशन एंड सेल्फ वर्थ कैसे मिलती है, दूसरे को नीचा दिखा के. सो द पर्सन हु इज बुलिंग ऑल्सो विल नीड सम काइंड ऑफ हेल्प. आप समझ रहे हैं? सो यू शुड सिंपथाइज विद द पर्सन हु इज बुलिंग एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज बीइंग बुलीड. एंड यू कैन ऑल्सो हैव जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स कि क्या मैं, सम ऑफ यू मे फील दैट मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्यूबर्टी के बाद, लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर, देन इंक्रीज इन ब्रेस्ट एंड वॉइस चेंज, लॉट ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने, ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो लीड टू योर सेल्फ इमेज, प्रॉब्लम्स इन सेल्फ इमेज. कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस आर genetics, heredity, that it means that it runs in the family. Then brain chemistry, that there is some change in our chemicals, imbalance in our brain, which results in mental problems. Environmental risk factors like stressful life events, chronic medical conditions, traumatic experiences, childhood history of abuse, like sexual abuse, physical abuse at home. Sources of stress in adolescence can be physical symptoms of stress. They can be seen in depression and anxiety disorders also, aches and pains, chest pain or heart is racing, exhaustion or trouble sleeping, headaches, dizziness or shaking. Emotional symptoms could be easily agitated, frustrated and moody, having a hard time relaxing and quietening the mind, low self-esteem and low confidence, feeling lonely, worthlessness and depressed, and avoiding people, others, isolating yourself. Then common warning signs could be lack of concentration, having difficulty sleeping or eating, spending more time alone, excessive exercising or eating, binge eating. Lot of us eat when we are stressed. I will end this talk by telling you that whenever you have a problem, please go and communicate with someone. It could be your friend, it could be your parents, it could be your teachers. Don't keep it inside yourself, that because you can be helped. And don't be ashamed कि मुझे ये problem हो रही है, because many of us are having or dealing with this problem. And anybody can have any problem at any point of life. They can have any mental stresses, any point. So please communicate. So this is very important. Show sympathy, empathy towards another person. This is what friends are for. This is what the community is for. अब हमारा जो आज का लास्ट सेशन है वो है आकृति के साथ. आकृति मैम आज आपको कुछ बहुत फन चीज़ें कराने वाली है. आप सबके सामने शीट्स है, क्रेयॉन्स है. आई होप यू गाइस हैव अ गुड टाइम. आकृति प्लीज टेक ओवर. थैंक यू. सो आरती मैम ने आपको मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी बताया, राइट? शी हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन मेंटल हेल्थ, व्हाट मेंटल हेल्थ इज. सो कैन यू टेल मी नाउ इन वन वर्ड व्हाट इज इट? अनस्टेबिलिटी, वेरी गुड. डिस्टर्ब माइंड, good. Stress, anxiety, depression. So mental health ke baare mein baat karte hain. Abhi I'm interacting with you, I asked you about like how are you feeling right now, theek hai? Wo aapko kya lagta hai, aapse maine kyun pucha aur wo kya hota hai feeling, what is it? There is a word. यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्या चलता है, थॉट्स. थॉट्स फिर अंदर क्या फील होता है, इमोशंस. इमोशंस और फिर हम जब किसी से बात करते हैं या कुछ भी ऐसे बिहेव करते हैं उसको क्या कहते हैं,
expressions we express and actions. Thoughts, emotions, actions. Right? But the thing is, with time, हमें भी clarity मिली उस चीज़ को सुन के समझ के. लेकिन सबसे पहले खुद के बारे में चीज़ें समझ के और कनेक्ट करें. आज हम लोग फन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, बट जो हम एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर वो इमोशनल एक्सप्रेशन की, राइट? दैट वी कॉल एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी. कोई आर्ट की लिमिट नहीं है. इट हैज़ ड्राइंग, पेंटिंग, स्क्रिबलिंग, इट हैज़ म्यूजिक, इट हैज़ डांस, इट हैज़ ड्रामा, इट हैज़ स्टोरी टेलिंग, इट हैज़ नरेशन, एवरीथिंग. मतलब जहाँ तक क्ले भी होता है, क्ले से भी हम लोग करते हैं. ये हमारे आर्ट एक्टिविटीज आपको साउंड कर रही होंगी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी वेयर यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट. दिस शीट इज योर फ्री स्पेस एंड हियर यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो एक्टिविटीज़ करेंगे इसमें हम लोग जो जो हम लोग चेंज करते रहेंगे, आई विल बी गिविंग यू वेरिएशंस इन दिस. सो आपको उसी के साथ एक जर्नी क्रिएट करनी है, राइट? एंड उसके बाद लाइक इट्स अ फन जर्नी. स्टार्ट स्लो होगा, स्लो 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 स्लो, लिटिल फास्टर 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 फास्टर. नाउ स्टैंड स्ट्रेट विदाउट एनी मूवमेंट. ओ आई एम डूइंग दिस. स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट विदाउट एनी मूवमेंट. नो आई मूवमेंट ऑल्सो स्ट्रेट. ओके, आई प्ले म्यूजिक एंड वट एवर आई आस्क यू टू डू यू हैव टू डू दैट मूवमेंट. ओके, बट बींग स्टिल लाइक दिस, हैंड्स ऑन साइड. ओके, ओनली आईब्रो मूवमेंट्स. नो स्माइलिंग, नो एक्सप्रेशंस. आई एम गिविंग यू बिकॉज आई एम टॉकिंग. ओनली आईब्रो मूवमेंट्स, आईब्रो, नॉट इवन आई मूवमेंट्स. Now only face expressions, eyebrows, eye, nose, as ugly faces you can make. Funny, ugly, gande, ekdam. Only this face. Okay, no movement of face, no movement of body. No feet, legs bhi nahi. Music pe jaise dance karte hai na, वैसे सुन के डांस करो. वन टू थ्री. यू कैन डांस विद ईच अदर ऑल्सो. एट द एंड अभी लास्ट चीज जो हमने किया उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. वेन एवर यू फील लो, वेन एवर यू आर इन अ बैड मूड, वेन एवर यू फील दैट यू आर अनएबल टू प्रोसेस थिंक और कुछ भी चीज़ फील नहीं कर पाए, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, डू दिस फॉर 5 मिनट्स, नॉट फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एक घंटा, आधा घंटा, बिल्कुल नहीं करना. 5 मिनट्स आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो. स्क्रिबल करो, ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो. जो मूवमेंट्स मैंने कराई वो कर सकते हो. लास्ट चीज़ फुल ऑन मिरर के सामने या वैसे भी, गो अहेड, बेड के ऊपर चढ़ के डांसिंग, गो अहेड विद दैट. ठीक है, 5 मिनट्स एंड देन सी हाउ योर थॉट शिफ्ट्स, हाउ योर इमोशन शिफ्ट्स एंड इमीडिएटली यू विल रियलाइज समथिंग दैट यस, कुछ इसकी वजह से शायद हुआ या मैं इस पर काम कर सकती हूँ. इट्स अबाउट शिफ्टिंग, इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग और अवॉइडिंग. मेक श्योर वी कैनॉट इग्नोर और अवॉइड अर इशूज. वी रियली नीड टू वर्क अपॉन दैट. नेवर इग्नोर और अवॉइड दैट. ऑल राइट, विल यू डू दैट? या 5 मिनट्स वेन एवर यू फील और डेली? श्योर? ओके, सो टेक केयर, हैव फन एंड ऑल द बेस्ट. I was very tensed and depressed, but now I am very happy. This empire is so good. हमने सोचा नहीं था मिलेगा, but it's बहुत सारी चीजें हैं इसमें. अच्छा लग रहा है आके. ये बहुत अच्छा है. Expectation तो नहीं थी ऐसा कुछ मिलेगा. Worth it रहा स्कूल आना आज. अच्छा हुआ. काफी चीजें सीखने को मिली हैं इसमें, और ये सब स्कूलों में होना चाहिए. After the session, I like the session very much. Thank you so much.